करीबी रिश्तेदार के यहाँ केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी चल रही है, कहा जा रहा है कि आपके बहुत करीबी हैं। हाँ, ये बात भी सही है जो आपने कहा है कि बेगूसराय में हमारे संबंधी हैं, निकट के संबंधी हैं, उनके घर पर आज सुबह से अब पता नहीं उसमें कौन कौन हैं, लेकिन कुछ लोग गए हैं, जांच पड़ताल में गए हुए हैं और वो चल रहा है। और सच पूछते हैं तो ये स्वाभाविक है, और हमारे जो वो संबंधी हैं वो आज से नहीं, वो पारिवारिक रूप से, खानदानी रूप से व्यवसाय या बिजनेस से जुड़े लोग। और बिहार में जो सबसे अधिक टैक्स देने वाले लोगों में से एक वो बिजनेस करने वाले, लेकिन उनके यहाँ लोगों ने भेजा है, तो भेजा है तो अब उसमें पता नहीं क्यों भेजा है, जबकि वो सबसे अधिक टैक्स देते हैं। कहीं कहीं वो हमारे संबंधी हैं ये तो कारण नहीं है। अब ये तो आप समझ सकते हैं कि हमारे संबंधी होने के साथ साथ एक चीज तो स्पष्ट है ना, कि इस सरकार में हम जदयू के मंत्री हैं, हमारे वो संबंधी हैं। और कल बिहार में पूरे देश के विपक्षी नेताओं की बैठक हो रही है केंद्र सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में, तो ये सब परिपेक्ष बैकग्राउंड तो है ही। अब आगे हमसे अधिक आप अच्छे से विश्लेषण कर ले सकते हैं इस टाइमिंग का। डराने की कोशिश हो रही है जेडीयू को। अब खैर कोशिश जो भी हो, लेकिन इससे कोई डरी सब तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब गए हैं जांच करने, देखिए जांच करके क्या निकालता है। इसकी आंच आप तक भी आने की संभावना है? अरे आंच काहे को आएगी, वो लोग अपना आज से नहीं शुरू से बिजनेस कर रहे हैं। और आंच क्या आएगी, अभी तक तो नहीं कुछ है, जब आएगी तो आंच देखा जाएगा। ये कहा जा रहा है टेंडर को लेकर के बिहार में कई स्तर पर गड़बड़ियां चलती हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजें, तो जो चीज़ें हैं वो तो लोग लगे ही हुए हैं। आखिर कहीं भी टेंडर पुल का हो, कहीं का हो, कि आखिर आरसीडी का जो पथ निर्माण विभाग है उसके तो लंबे समय तक भाजपा के ही मंत्री रहे हैं। हम नहीं समझते हैं कि मुख्यमंत्री ने कभी किसी भाजपा के पथ निर्माण मंत्री को किसी टेंडर की जांच कराने से कोई रोक लगाई थी। तो आप जब मंत्री थे आप पूरी जांच करा सकते थे, उस समय नहीं करा के अब कोई बात कहना, तो ये माने तो आप समझ सकते हैं।